Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Aliza Art and Craft. Assalamu alaikum friend Aliza Art and Craft. Please subscribe, comment and share. Please friend mere channel ko subscribe kijiye. Chaliye friends, aaj hum ye chote chote phool organdy ke banana sikhenge. Bunch, iska bunch banayenge hum. Chaliye friends, iske liye kya kya lagta hai dekh lijiye. सीजर, ऑर्गेंडी, रील, टेप, गम, पराग. फ्रेंड इसे पराग कहते हैं जो कि फूल के बीच में लगाए जाते हैं इस तरह से. देखिए फ्रेंड्स, ये हर कलर में मिलते हैं, इस तरह से लगाए जाते हैं बीच में. हर कलर में होते हैं फ्रेंड्स, इसे हर वो फ्लावर में लगा सकते हैं, लगाया जाता है, हमारी मर्जी लगाइए या ना लगाइए. चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए बनाना शुरू करते हैं. इसे भी पराग पराग वायर, इस तरह का वायर लीजिए फ्रेंड्स. ये फ्लावर के लिए ये वायर यूज़ होता है, जो कि ये छोटा छोटा होते हैं, इसे छोटे छोटे फूल में बनाया जाता है, इसलिए ये यूज़ होता है. इसके लिए बड़ा वायर भी लगता है, सीजर, रील, कॉटन, स्केल. चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, वन इंच से 3.5, इसकी लंबाई चौड़ाई 3.5. चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से बना लीजिए, हमारी मर्ज़ी, ये जितने बने उतने इसमें तैयार कर सकते हैं आपके हिसाब से. देखिए फ्रेंड्स, इसे चौकनी ले लीजिए, 3.5 आड़े में, 3.5 खड़े में. इसे 3 पत्ती के बनते हैं फ्रेंड्स. देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का फोल्ड कर लीजिए, इसे थोड़े से खींच लीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा मत खींचिए, फट जाता नहीं तो. देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का कर लीजिए फ्रेंड्स. राउंड रोज में हमने जिस तरह से पत्ती किए थे, उस तरह से कर लीजिए, इस तरह से. देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, इस तरह से. चलिए फ्रेंड्स, फूल बनाना शुरू करते हैं. छोटे सा वायर लीजिए, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए. पराग ले लीजिए फ्रेंड, आपकी मर्जी, जितने चाहे उतने लगा सकते हैं. देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लगा लीजिए. इसे थोड़े नीचे की साइड छोड़ लीजिए और फोल्ड कर लीजिए. देखिए इस तरह से फ्रेंड, रील ले लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फ्लावर बना लीजिए. इस तरह से पूरा फूल तैयार कर लीजिए फ्रेंड्स. इसके लिए हमें 5 या 6 या फिर कहीं ज़्यादा भी लग सकते हैं बंच के लिए फ्रेंड्स. देखिए, ये हमारा फूल बनकर तैयार है. इस तरह से फ्रेंड, इस तरह से ले लीजिए इसे फ्रेंड, कस के बन लीजिए. इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारा फूल बनकर तैयार है. गम लीजिए, इसे गम कर लीजिए.
टेप लीजिए, इस तरह से लगाइए। फ्रेंड ऑर्गेंडी के फूलों में फ्रेंड तकरीबन हर वो पैटर्न में, हर वो फूल के पैटर्न में फ्रेंड्स इसी तरह से चार कोनी से ही पत्तियां तैयार होते हैं सब में ज़्यादा। देखिए फ्रेंड्स हमारा फूल बनकर तैयार है, चलिए इसे हमें बाकी के भी फूल बना लिए जी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से एक काड़ी ले लीजिए, जो फ्रेंड्स सब में छोटा वाला फ्लावर से ऊपर लगा लीजिए। ग्रीन टेप लीजिए, एक एक करके फ्रेंड पूरे गम लगाकर टेप लगाकर चिपका लीजिए इस तरह से फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से लगा लीजिए। एक के बाद एक लगा लीजिए फ्रेंड। फ्रेंड थोड़ा थोड़ा गैप दीजिए। फ्रेंड ये वास में, पॉट में, बुके में बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बुके मैंने बनाए हुए हैं जो कि इसमें अलग अलग है, आप इसमें कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पूरी तैयार कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे तैयार हो चुका है। हम चाहे बुके में या पॉट में या किसी में भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा वंश बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स ये वाले फूल है वो हम पॉट में या फिर इसी तरह कोई बुके में या फिर कोई वास में भी बड़े बड़े बनाकर रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगले वीडियो के संगत फिर मिलती हूँ, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।